So good morning, everyone. We have completed our chapter 8, that is your quadrilaterals. And one problem has been shared over here, that is question 2 of exercise 8.2. So first of all, we are going to solve that question. And if you have any problem in this chapter, you can share. Otherwise, we will start with chapter 14. And tomorrow, your test will be conducted, right? Okay. So your question number 2 of exercise 8.2 was, ABCD is a rhombus, PQ, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. And we have to prove that PQRS is a rectangle. That means you have to show that if you join the midpoints of a rhombus, aap rhombus ke midpoints ko join karte hain, then what you will get always a rectangle. Ye rhombus hai. इसके आपने मिड पॉइंट्स ले लिए, चाहे आप कितनी भी साइड का रोम्बस ले, जब भी आप उसके मिड पॉइंट को, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट अ रेक्टेंगल. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड वी हैव टू टेक द मिड पॉइंट्स एज पी क्यू आर एंड एस. ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको इसका हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री. सो इफ वी प्रूव एनी वन ऑफ द एंगल टू 90 डिग्री, आप कह दोगे सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल. राइट, चलिए अब हमारा काम रह गया सिर्फ इस एक एंगल पी को 90 डिग्री प्रूव करना. ठीक है, उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले इस, चलो उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम जॉइनिंग ए टू बी, सॉरी बी टू डी एंड ए टू सी. आई एम ड्रॉइंग द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी. ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज एम, दिस इज एन, दिस इज पी क्यू आर एस ऑलरेडी डन. तो ये सेंटर वाला ओ ले लो, इसको एम ले लो. ठीक है, अब यहां से बिकॉज यू आर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ. इस ट्राइंगल की आपने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स जॉइन कर दिए, देन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड. तो ये पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी. मुझे इस 1/2 AC का कुछ नहीं करना, मैं इसको छोड़ देती हूँ. I just want to use PQ is parallel to AC. ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है. अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, that means a segment of this line, we can say that it will be parallel to a segment of this line. जितना हमें required है, जितना हमें चाहिए, जितना हमें use करने के लिए चाहिए, हम सिर्फ उतना पार्ट ले रहे हैं. अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका ये छोटा सा पार्ट PN, इसके छोटे से पार्ट ओ एम, एम ओ के भी पैरेलल होगा. ठीक है, सो यहां से मैं लिख रही हूं पी एम इज पैरेलल टू पी एन, पी एन इज पैरेलल टू एम ओ. एक मैंने ये रिजल्ट यूज किया. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दिस रिजल्ट. एंड सिमिलरली इफ आई टेक कि पी क्यू और ए सी इक्वल है, पहले मैंने सिर्फ ये नीचे वाला ट्राइंगल यूज किया है, अब मैं इस तरफ वाला ट्राइंगल यूज कर रही हूँ. देखो क्यों कर रहे हैं, मुझे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है. इसको पैरेललोग्राम, अंदर वाला ये छोटा सिंगल पार्ट, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इसकी इन दो साइड्स को पैरेलल, इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है. ठीक है, इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने कह दिया कि ये दोनों बड़ी बड़ी लाइंस बराबर हैं, सो देयर पार्ट्स, दीज टू पार्ट्स आर ऑल्सो पैरेलल. ठीक है, सिमिलरली आई एम सेइंग आई वॉन्ट टू प्रूव नाउ दीज टू पार्ट्स विल बी पैरेलल. इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए आई एम टेकिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन. क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? Yes. कैसे? वही मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल ABD. Yes. Now I will take this triangle ABD.
इसमें भी ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, यू हैव जॉइंड द मिड पॉइंट्स एंड लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो ये अगर इसके पैरेलल है मींस पीएस इज पैरेलल टू बीडी, दैट मींस पीएस का मुझे कितना पार्ट चाहिए, पीएम पैरेलल टू व्हाट पार्ट ऑफ बीडी आई वांट, ओनली दिस मच, पीएन पीएम पैरेलल टू एनओ, सो दिस इज सेकंड फ्रॉम दीज टू. आपने कहा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दैट मींस आपके पास हो गया PNOM is a parallelogram because opposite sides of the quadrilateral are parallel. So we are saying this is a parallelogram. Now if this is a parallelogram, your angle P must be equal to this angle 1. Okay? Opposite angles of the parallelogram are equal. So P angle must be equal to angle 1. But angle 1 is equal to कितने डिग्री? 90 डिग्री. 90. क्यों? Because diagonal to perpendicular bisector of each other. Yes, because diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. हमने अभी तक रोम्बस का यूज नहीं किया था, ये रोम्बस है बाहर वाला, तो उसका अभी तक हमारे पास कहीं यूज नहीं हुआ था. सो नाउ वी आर यूजिंग, क्योंकि ये रोम्बस है, इसकी ये डायगोनल्स हैं, तो इनके बीच में हमेशा ये एंगल जो होता है 90 डिग्री बनता है. दैट मींस दिस एंगल 1 इज आल्सो 90, सो पी इज आल्सो 90. नाउ एज पी इज 90, सो वी कैन से सिमिलरली क्यू आर एंड एस दे ऑल आर 90 डिग्री. And if all four angles of a quadrilateral are 90 degree, means it is a rectangle, surely. It may be a square, but we do not have to go with the square. Hame prove nahi karna hai. Ho sakta hai agar uske sides equal ho. Theek hai? Ab yahan pe zaruri nahi hai ki har case mein square ban rahe, isliye inhone aisa bola hi nahi hai. Theek hai? Okay. Any other question of the chapter? Any example, any question? Which is not clear. हम first question समझा दो 8.2 का. 8.2 का first question. श्रेया ने देखी video? मैं मिली नहीं. अच्छा. Okay. The question is we have to take a quadrilateral A B C D and we have to take the midpoints of A B B C C D and D A as P Q R and S. Then we have to join these. Then we have to show that PQRS is a parallelogram. ठीक है, parallelogram आपने prove करना है, not parallelogram. इसमें तीन parts अलग-अलग given है. First of all, you have to show that SR is parallel to AC. SR parallel to AC. Okay, ये आपने इसके parallel prove करना है. इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये आपका अगर triangle है, इस ट्राइंगल में आपने इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है. तो हम सीधा लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी. ठीक है, यही आपके इसके फर्स्ट पार्ट है. So first part में आप सीधा लिख देंगे by midpoint theorem. ठीक है, then we have to come on the second part. In the second part we have to show that SR is equal to PQ. अब आपने ये प्रूव करना है. ठीक है, जैसे आपने ऊपर वाले ट्राइंगल में लिया है, सिमिलरली वी आर टेकिंग मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल के भी आपने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया. ठीक है, जब आपने दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी. सो वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC. अब ये रिजल्ट है आपके पास और ये रिजल्ट है आपके पास. व्हाट कैन वी से फ्रॉम द टू, SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC. ये भी एसी के पैरेलल है, ये भी एसी के पैरेलल है. दैट मींस दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल.
PQ is parallel to SR. Similarly, we can say ये भी half of AC है, PQ भी half of AC है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? SR is equal to PQ. तो एक ये result आपने ये prove हो गया second part, and the third part was you had to show that PQRS is a parallelogram. आपने इसको parallelogram prove करना था. उसके लिए PQ और RS one pair of opposite sides अगर equal parallel हो जाता है तो ये parallelogram बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी हो चुका है कि PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो ये आपका क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है श्रेया? यस मैम. एनी अदर क्वेश्चन टू एनीवन? एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम. यस मैम. ओके, चलो मिड पॉइंट थ्योरम सुन लो. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? चलो इतना तो बता दो पहले, फिर समझा देते हैं. बोलो. लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द फर्स्ट साइड एंड दिस इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. इसके पैरेलल प्रूव करनी है, इसके हाफ प्रूव करनी है. PQ पैरेलल BC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 BC. आपने ये प्रूव करनी है. इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की थी. व्हाट वाज द कंस्ट्रक्शन? क्या कंस्ट्रक्शन? CD पैरेलल AB. इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमने C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी. इसको पॉइंट लिया हमने डी. ठीक है, सबसे पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन. सेकंड हमने क्या किया था? सेकंड स्टेप क्या था? वी प्रूव्ड द कॉन्ग्रुएंसी पी क्यू टू डी. इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. स्टेप से याद कर लो बेटा. पहले स्टेप में कंस्ट्रक्शन, दूसरे स्टेप में कॉन्ग्रुएंसी, तीसरे स्टेप में पैरेललोग्राम. ठीक है, तो दूसरे स्टेप में इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो. कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए. AQ मैम PC. AQ इज इक्वल टू QC. ये इसके इक्वल, एंगल वन, एंगल A इज इक्वल टू C. वन टू ले लो, इसको थ्री ले लो, फोर ले लो. सो यू हैव वन इक्वल. कैसे आई AQ और QC इक्वल कैसे आई? तो आप थ्योरम ये कह रहे हो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट. तो ये P भी मिड पॉइंट है इस साइड का, Q मिड पॉइंट है इस साइड का. इफ Q इज मिड पॉइंट दैट मींस AQ इज इक्वल टू QC. ठीक है, ओके. सो AQ इज इक्वल टू QC एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. And these are alternate interior angles. ठीक है, तो triangles आपकी congruent हो गई. APQ congruent triangle किसके किसके congruent हो गई? A किसके equal है? C के. तो A के सामने C. ठीक है, उसके बाद है Q. Q के सामने Q ही आ रहा है, because दोनों Q Q equal है. तो Q के सामने Q. बाकी बचा हुआ क्या रह गया? CDQ. So you have triangle CDQ by कौन सी congruency बनी है? Angle तो भी आया मेरे को पता नहीं. Angle side angle. Okay, by angle side angle congruency the two triangles are congruent. अगर ये congruent है तो इसकी बाकी बची हुई sides भी हम इसको लिख लेते हैं. बची हुई साइड मतलब PQ इज इक्वल टू क्यू डी एंड PA इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, हो गए आपके CPCT. अब तीसरा स्टेप मैंने आपको बोला है कि आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव कर कैसे करोगे? आपके पास AP और PB इक्वल है बिकॉज P इज द मिड पॉइंट. आपने Q मिड पॉइंट तो यूज कर लिया कॉन्ग्रेंसी यूज करने में, कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने में, बट अभी आपने P एज अ मिड पॉइंट यूज नहीं किया है. सो नाउ वी आर सेइंग AP इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज द मिड पॉइंट.
बट आपका एपी किसके इक्वल है? सीडी के, ठीक है, बट एपी इज इक्वल टू सीडी, सो व्हाट कैन आई से, द बोथ विल बी इक्वल, ठीक है, तो क्या क्या इक्वल हो गए, क्या क्या इक्वल हो गए, पीबी इज इक्वल टू सीडी, ठीक है, क्या ये पैरेलल भी है पीबी एंड सीडी? यस मैम। तो क्या होगा उसे क्या कह सकते हैं, पीबी इज पैरेलल, यस मैम, मैम पर दिया तो हुआ नहीं है मैम, पीबी पैरेलल टू सीडी, क्या दिया हुआ नहीं है बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, हमने कंस्ट्रक्शन ही की थी, हमें तो सीडी भी नहीं दिया हुआ था, हमने कंस्ट्रक्शन की थी दैट फ्रॉम पॉइंट सी वी आर टेकिंग अ लाइन पैरेलल टू बीपी, इसके पैरेलल लिया था हमने, ठीक है, तो बाय आवर कंस्ट्रक्शन वी हैव पीबी पैरेलल सीडी, और अब हमने प्रूव कर दिया कि पीबी सीडी के इक्वल भी है, अगर ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, पीबी सीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बाकी दो साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, तो हमारे पास होना चाहिए BC is equal to BC is equal to PD and BC parallel PD. दिया होना चाहिए, बट मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे चाहिए P to parallel BC, और मेरे पास क्या आया, BC parallel PD, PD नहीं चाहिए, PQ चाहिए, can I write at the place of PD PQ? अगर BC PD के parallel है तो BC PQ के भी parallel है. You are taking its part. So from here you can say BC is parallel to PQ. So ek part to aapka prove ho gaya. Second part is PQ is equal to 1 by 2 BC. BC ye raha. Yahan par PQ chahiye. Theek hai, 1 by 2 apne aap aa jayega. PD ki jagah mujhe PQ chahiye. At the place of PD, I want PQ. Kya likhte hain? PD ka half hi to hai PQ. Yes, PD ka half aapka PQ hai. So we can say this is half of, no, double of PQ. ठीक है, PD is double of PQ, PQ is half of PD. Right? Two को आप इस तरफ ले आओ, you will get half of BC is equal to PQ. ये आपका second result हो गया. ठीक है, hence proved. तो आपने इसमें तीन steps follow किए हैं. सबसे पहले आपने construction की है. Second step में आपने triangles की congruency prove की है. थर्ड स्टेप में आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, और फोर्थ स्टेप में बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल पैरेलल लेके आप रिजल्ट तक पहुंचे हो, ठीक है, ये चार स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं. एनी अदर प्रॉब्लम? अब कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर, ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ ही मैम, इसके बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? इसके बाद में 14 चैप्टर करवा रहे हैं. मैम वो कौन सा? आपके पास दसवीं वाली क्लास भी आपकी है? हाँ जी, आज दसवीं वाली क्लास भी आपकी है? नहीं 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 बट्टा, वो तो उसमें ना पासवर्ड बाय मिस्टेक चेंज हुआ था, तो इसीलिए मैंने आपको वो लिंक भेज दिया था कि आप उससे एंटर कर दो. एट 10:20 दिस इज ऑफ 10th क्लास, ट्राइंगल्स लिखा हुआ था ना. हाँ, ट्राइंगल्स पढ़ना हो अगर 10th क्लास की सिमिलैरिटी पढ़नी हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम. नो मैम, नो मैम, नो, ओके, नहीं 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 मैम, उस टाइम हमारे फिर क्लास आज ही शुरू कर रहे हो, ट्राइंगल्स आज ही शुरू कर रहे हो, एनटीएससी की तैयारी हो जाएगी, कर लोगे तो मैम. नहीं, चलो मैम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे. ठीक है जी, अपनी क्लास छोड़ के आनी पड़ेगी, 10:25 पे आपकी क्लास भी होती है. इंग्लिश की है, ओके, वो भी एनटीएससी में जरूरी है. चलो अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का बता रही हूँ, आई जस्ट हैव 5 to 10 minutes. सो स्टैटिस्टिक्स में आप कब से पढ़ते आ रहे हो? स्टैटिस्टिक्स हम शुरू करते हैं फॉर सेकेंड क्लास से. मैम कल टेस्ट ले हो गए. यस, हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स में हम किसकी बात करते हैं बेटा? क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने? डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, जितना हेड चैप्टर हुआ उसका मैम, फ्रीक्वेंसी टेबल,
मैम डाटा हैंडल क्या टेलीमार्क टेलीमार्क हिस्टोग्राम मैम टेस्ट कौन सा चैप्टर है टेस्ट है क्या आपका इसी चैप्टर 8 का जो अभी आपने किया है क्वाड्रिलेटरल्स हम कब ले रहे हो टेस्ट कल कल टुमारो देयर विल बी द टेस्ट ओके चलिए स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में हम कह रहे हैं कि हमने अब से पहले भी किया हुआ है जहां पर हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ की बार ग्राफ की हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यू हैव डन सो मेनी टर्म्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो कि आपके फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाती है कि इतने ट्राइंगल पिक्टोग्राफ अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ करना सीखते हैं ठीक है Statistics means it is a branch of mathematics which deals with the data. ठीक है Data के साथ dealing होती है statistics में और आगे जाके statistics जो है ना ये बिल्कुल different subject बन जाता है Statistical सारा data collection, government jobs में बहुत ज्यादा इसका scope रहता है ठीक है और statistics में जो आपने एक pie chart भी पढ़ा है ठीक है लास्ट ईयर हमने पाई चार्ट किया था किया हमने उससे जूनियर क्लासेस में भी हुआ है फिफ्थ क्लास में बट यू फॉरगेट सो अगेन यू डू इन एट्थ क्लास राइट तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की तो डाटा कलेक्शन आपका दो टाइप का डाटा होता है ठीक है डाटा सबसे पहले जो आपको डाटा मिलता है दैट इज कॉल्ड रो डाटा जहां से भी आपको ऑन द स्पॉट अगर कोई इंसिडेंट हो गया कहीं भी कुछ भी हो गया तो उस टाइम पे आप ऑन द स्पॉट जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा जिसके ऊपर अभी आपने कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करी ठीक है अगर कोई कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी एक्सीडेंट में जितने भी इंजर्ड हैं जितने भी डेथ्स हैं वो सारे कुछ लिखते चले जाते हैं कि बार में कि अच्छा ये हो गया इतने साल का ये और जो ये डाटा हमारा साथ के साथ कलेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा एंड वेन यू कंपाइल इट जब आप इससे क्या करते हो अपने हिस्टोग्राम बार ग्राफ पिक्टोग्राफ इस तरह के जब आप इनसे टेबल्स बना लेते हो टेलीमार्क बनाते हो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाते हो तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा दैट वी हैव डन द प्रोसेसिंग ऑन दिस डाटा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं जो डाटा हमारे पास है उसमें भी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डाटा आता है वो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा ठीक है प्राइमरी डाटा कौन सा होता है मैंने लास्ट ईयर आपको ये सारा करवाया हुआ है व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी डाटा नो वैभव प्राइमरी डाटा होता है जो आपको खुद आप ले रहे हो डाटा को जिस डाटा को आप खुद से आपको डायरेक्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा वो होता है जिस डाटा के लिए आपको दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है राइट इसमें आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था लास्ट ईयर भी कि न्यूज एजेंसीज जो होती हैं न्यूज एजेंसीज अब जरूरी नहीं है ना वो हर जगह अपने रिपोर्टर्स भी रख सके फॉरेन में भी रख सके ठीक है इट विल बी टू मच कॉस्टली फॉर देम ठीक है उनको वो बहुत महंगा पड़ जाएगा सो व्हाट डू दे डील विद द अदर न्यूज एजेंसीज ऑफ द अदर कंट्रीज वो दूसरी कंट्रीज की न्यूज एजेंसीज के साथ डील कर लेते हैं कि हम आपको साल के इतने अमाउंट पे करेंगे आपने अपनी कंट्री की न्यूज हमें देनी है ठीक है तो उनके रिपोर्टर्स उनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बट वी आर ऑल्सो गेटिंग द डाटा बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम दोज रिपोर्टर्स वी आर गेटिंग थ्रू इंटरमीडिएटर तो जो डाटा हमारे पास किसी और के थ्रू पहुंच रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा और जो डाटा हम खुद से ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा ठीक है अब इसमें आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिर्फ आपकी सॉरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आता है आपके जो क्वेश्चंस आने हैं दैट इज ओनली 14.2 एंड 14.3 में से भी आपके चार क्वेश्चंस हटे हुए हैं 14.4 आपकी पूरी रिमूव्ड है फ्रॉम द सिलेबस वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन एंड द मॉड वो सारी अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने सिर्फ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पढ़ने हैं और हिस्टोग्राम में भी आपने सिंपल वाले करने हैं क्वेश्चंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चन गिव फाइव एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम हां जी हम ये चैप्टर तो कल मतलब कि जैसे एक ही दिन में हो जाएगा हाँ हो जाएगा आप कर लोगे दो दिन हम लगाएंगे आज
हाँ जी इजी सर। हाँ इसमें आपका जो मेन पार्ट था वो सारा ही कर चुका है, बार ग्राफ आप ऑलरेडी कर चुके हो, हिस्टोग्राम आप 8th में ऑलरेडी कर चुके हो और वही आपको दोबारा से करने है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द डेटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। कौन कौन से डेटा कलेक्शन होती है जो आपको अपने आस पास दिखता हो? सर्वे। सर्वे होता है। आपको पता है हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसकी ऑल ओवर इंडिया हर कितने साल बाद होती है? जनगणना 10 साल बाद, आफ्टर एवरी 10 इयर्स, ठीक है। तो अब वाली कब होनी है? 21। यस 2021 में होगी, हर 10 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन काउंट होती है, ठीक है, जनगणना होती है। अब इसमें डाटा कलेक्ट होता है, इसमें हर तरह से इस डाटा को घुमा के सारे जितने भी फैक्ट्स निकल सकते हैं वो सारा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई 5 एग्जांपल देने हैं डाटा कलेक्शन के, बता दो उससे डाटा कलेक्ट होता है आपके मीटर रीडिंग सर्वे, महीने सर्वे होता है, ठीक है, कि फैमिली में कितने, जनगणना उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। सर्वे किस चीज का सर्वे? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके आते हैं, दैट इज आल्सो द सर्वे, ठीक है। चिल्ड्रन इन द फैमिली, आप हाँ चिल्ड्रन इन द फैमिली, और आपका स्कूल से हर साल डाटा जाता है गवर्नमेंट के पास, हर साल वो कहते हैं कि हमारे पास ये भेजो कि आपके पास हर क्लास में कितने साल, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, उनमें से कितने आपके कौन से ईयर के बॉर्न हैं, वो सारा डाटा भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हर साल आप लोगों का डाटा जाता है, ठीक है। आपके बिल्स हो गए, जितने भी बिल्स आपके आते हैं दैट इज ऑल्सो द डाटा, और जो आपके न्यूज में आता है कि कितने एक्सीडेंट्स हो गए, कितने लोग मर गए, पर डे कितने वो होती है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो उसके बाद क्लासिफाई द डाटा इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है, सिर्फ आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग के लिए है इसको, ये क्वेश्चंस आपके ने करने नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थे कि डाटा होता क्या है। नाउ द मेन ऑफ योर एक्सरसाइज इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम एक्सरसाइज 14.2, जिसको आपने खुद करना है, और कल कल तो नहीं, कल तो आप लोग टेस्ट दोगे, का टेस्ट के बाद आप इस एक्सरसाइज पे करो। एक से साइन बना हुआ है, हां पर दिखाती हूं एक मिनट, ये देखो मैम कल करवा देना मेरे को ऐसे ना सर, तो आपके बुक वाला नंबर नहीं है मैम, एक्सरसाइज ये कल करवा देना। नहीं मैं तो करवा ही नहीं रही हूँ बेटा, मैंने करवानी ही है हर चीज, तो आपने खुद इसके अंदर एक ई सा साइन बना हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा एन लिखा हुआ है, वो वैसे ही होगा, या तो आप मुझे इसकी फोटो व्हाट्सएप करके भेज देना फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब टाइम आपका ओवर होने वाला है, सो ये एक्सरसाइज आप कल खुद करोगे। फ्रीक्वेंसी पॉली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबको बनानी आती है, टैली मार्क्स सबको बनाने आते हैं ना? Yes, हाँ, तो ये एक्सरसाइज आप कल टेस्ट के बाद कल का होमवर्क रहेगा, दैट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है।